तो भैंसों का हम सेल भी करेंगे, एक फर्स्ट टाइमर भी आएगी और एक तो हम खरीद के लेकर आए थे, क्योंकि दाने चारे का महंगा होने के कारण पशु बेचने ही पड़ेंगे। लेकिन जो रखेंगे वो अच्छे तौर तरीके से उसका ध्यान अच्छे से करेंगे, बच्चे तैयार करके बच्चे भी बेचेंगे, दूध भी अलग से सेल करेंगे अभी। और काम की बात रहे, आपको गर्मी सर्दी उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चाहे दोपहर का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, अभी आप देख रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज बारिश का मौसम है और हम आए हैं ज्वार काटने के लिए, ये आप पीछे देख पा रहे हैं और आंखों में बारिश लग रही है। ऊपर फोन हमने डाल रखा कागज़ के अंदर, बाकी भेज ना जाए। ये देखो अभी आंधी बारिश गर्मी सर्दी, पशुपालन में अगर आप ये मुसीबतें झेल सकते हैं तो आप आरामदारी से अपने चाव से जो है पशुपालन कर सकते हैं। और आगे हम अभी ज्वार काटने के बाद जाएंगे बैलगाड़ी पे, वो आपको दिखाएंगे अगर बारिश से फोन बचा रहा तो। चलिए आगे आपको दिखाएंगे एक बार, मैं ये काट लेता हूँ और डाल देता हूँ, बाद में वीडियो कवर करूँगा और आज घर तक दिखाएंगे आपको। दोस्तों अब आगे रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत सारा पानी भर रहा है तो बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है, फोन वगैरह भिजने का डर है, इसलिए आगे घर जाके बात करेंगे। ये हमने थोड़ा काटा था वो ले आए हैं, ये हमारी बैलगाड़ी है। आगे की वीडियो आपको जाएंगे घर जाके दिखाएंगे, बारिश अभी आने लग रही है, जोरों पे है, पानी बहुत है रास्ते के अंदर, गाँव का सीन आपको दिखाते हैं। लो जी अब आ गया घर पे, और बाहर अभी तक बारिश हो रही है। ये हमने मिट्टी डलवा रखी है, बहुत सारा कीचड़ हो गया है अब यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पशु बांधते तो आपको आगे बताएंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बार आपको दिखा दें, ये अंदर पशु बंध रहे हैं जी, पक्के के अंदर बाहर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता, तो अंदर आराम से नहा रहे हैं बारिश के अंदर। और एक जो लक्ष्मी झट्टी है उसकी बेटी अंदर है जी बरंडे के अंदर, जिसका नाम ने खुशी रखा है, और वो जुली है, उसको बारिश में नहाना पसंद नहीं है, अब हम उसको बाहर निकालेंगे, ज़बरदस्ती उसको नहलाएंगे, साइड में बांध देंगे उनको। ये अपने पशु भी आराम से बैठे हैं, इधर हमने इसको बाहर निकाल दिया है नहाने के लिए। और आगे हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं इसके अंदर आती है। जैसे हमने मिट्टी बाहर डलवा रखी है, किसी भाई के पास जगह नहीं है तो वो बाहर इस तरह कच्चे में बांधते हैं, बाद में खोलते हैं, बांधते टाइम उसको पाँव धसते हैं, फिर बाद में उनको कठिन काम लगता है। कुछ भाई जो आते हैं इस काम के अंदर, जो नए आने वाले हैं, उनको मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो हमारे पास थोड़ी जगह है इस तरह की, ये मेट ले रखे हमने और अंदर बैठे हैं पक्के के ऊपर, इस सरस्वती को भैंस को बैठने के लिए सीट नहीं मिली, तो बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर आती है। कुछ नए भाई होते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख करके आते हैं इसके अंदर, बहुत सारी इनकम जो बताई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन है इनकम तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के अंदर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपको 2, 3, 4, 5 साल जो उसके अंदर गुजारने पड़ते हैं, फिर जाके आप थोड़ा बहुत काम करने लगे हो, फिर आपको सक्सेस होंगे, आप कामयाबी आपको तभी मिलेंगी जब आप मेहनत करोगे और एक काम के अंदर आप लगे रहोगे।
जैसे पशुओं के अंदर हम समस्या की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो है दूध के रेट की समस्या आती है, दाने चारे के रेट महंगे हुए हैं, सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। नंबर दो पे बात आती है तो उनका मैनेजमेंट, अब ये मैनेजमेंट धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा आपको। आप एकदम से पैसे कभी मत लगाए, आपके पास है तो भी ना लगाएं, अगर नहीं है तो भी आप लगाने की ना सोचें। एक पशु दो पशु से आप स्टार्ट करें और उसको जितना आपका मैनेजमेंट हो उसके जितनी आपको जगह कवर करनी है वो दो पशुओं के हिसाब से ही करें, फिर आगे जाके आप बढ़ाएं। जो 2 घंटे काम बताया जाता है इस डेयरी फार्म के अंदर, 2 घंटे सुबह का 2 घंटे शाम का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है इस काम के अंदर, हरा चारा खेत से लेके आना है। गर्मी सर्दी में 3 बजे आपको सुबह 4 बजे उठना है, या कुछ 5 बजे भी उठते हैं, फिर उसको जो दाना चारा मिला करके दूध निकालना, गोबर उठाना, उनको नहलाना, फिर उनको साइड में दूसरी जगह बांधना। कुछ भाई तो एक ही जगह खड़ी रखते हैं डेयरियों के अंदर, हम देखते हैं वो जगह की प्रॉब्लम के कारण एक ही जगह बंदी रहती है, तो ऐसा भी पशुओं के लिए ठीक नहीं है। उसको थोड़ी घनी जगह भी चेंज होनी चाहिए खुट्टे की। और समस्याएं आपको बता रहे थे, फिर सेकंड बात आती है रिपीट ब्रीडिंग की। 2 महीने के आपका पशु ब्याया होता है, उसके बाद में हिट में नहीं आता। एक भैंस के ऊपर हमने बहुत सारा खर्चा भी किया है, वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन एक वीडियो अलग बनाना चाह रहा था, लेकिन आज के अंदर आपको शेयर कर दूं। तो वीडियो देख के एक भाई मेरे पास आया एनिमिक्स फार्मा कंपनी से, तो उन्होंने बोला, वीडियो भी देखी, कि मिनरल मिक्सर ज़रूरी होता है, तो उसने मिनरल मिक्सर के लिए बताया। तो पहले कीड़ों वाली गोली दी, 70 से 75 रुपये की वो आई, मीन वरम नाम से है। और फिर इसके बाद में मैंने बायोबिन गोल्ड जो मिनरल मिक्सर है एनमिक्स फार्मा का, बढ़िया अच्छा है, दूध में तो 150-200 ग्राम दूध तो बड़ा भैंस का, लेकिन वो हिटके में नहीं आई जिसके लिए हमने देना था। 5 किलो वो खिलाया, 750 रुपये का आया। फिर एग्रीमिन आई की टेबलेट आती है, वो हमने भैंस को दी 150 रुपये की, 7 गोलियाँ आती है, तो 3 पत्ते हमने 21 गोलियाँ 21 दिन दी, 450 रुपये खर्चा वो हुआ, 750 का पाउडर वाड़ा हुआ, और 70 या 75 रुपये की टेबलेट आई। वो आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे को भी वीडियो कवर कराऊँ तो साथ साथ होने रहा। तो इसके बाद में हमने वेट किया, कोई डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने इंजेक्शन देखे, बताए कुछ होने, कुछ लोगों ने यूज भी किए होंगे, GNRH कुछ नाम से बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसमें गायनारिज और एक वेटमेट का इंजेक्शन आता है। तो पहले दिन हमने गायनारिज लगाया, फिर उससे तीसरे दिन जो वेटमेट का लगाया, फिर 1 हफ्ते बाद में गायनारिज लगाया, तो 200-200 रुपये के वो इंजेक्शन लगाए, 600 रुपये के वो होंगे। फिर हमने उससे डिस्चार्ज तो दिया भैंस ने, AI भी करवाई, लेकिन उससे गैबिन नहीं ठहरी। 2 महीने बाद में चेक करवाया तो खाली निकली, फिर हम 2 महीने बाद में चेक कराए फिर खाली निकली, फिर दोबारा आइटम आई, फिर हमने बुल से करवाया, फिर उसको सबसे सफ़ेद डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज देने लगी, फिर वो डॉक्टर ने दिखाया तो इन्फेक्शन बताया, फिर 3 दिन दवाई रखी, 750-700 रुपये वो दिए। उसके बाद में फिर दोबारा आइटम आई, फिर जाके ये कंसीव पूरी AI सीमन से ही हमने करवाई, बुल से करवाई, वो भी 500 रुपये लिया उन्होंने, गांव का प्राइवेट बुल था। तो ये समस्या आती है बाद में, कभी थनों में इन्फेक्शन होना, कभी भैंस का बुखार हो गया, कम दाना चारा खाना, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम होती है जो छोटी छोटी होती है। और इससे फार्मर जो नया है वो इन समस्याओं को देख करके डर जाता है, और आप अगर आप 1.5 से 2 साल इस काम के अंदर गुजार लेते हो, बाद में इसको बंद करना है वो बेवकूफ़ी का काम होता है। अब आपने जैसी वीडियो देख रहे हो, YouTube का काम स्टार्ट कर दिया, किसी भाई ने
15-20 हज़ार का फ़ोन ख़रीदा, किसी ने माइक भी ख़रीदा साथ में, तो आप कहीं पे जा रहे हो, किराया भाड़ा लगता है आपका, तेल का खर्चा होता है, बाइक पे जाते हो, गाड़ी में जाते हो, और आपको कुछ महीने दो महीने अच्छा वीडियो पे वीडियो डाल रहे हो, लेकिन व्यूज़ नहीं आने के कारण आपका चैनल भी मोनेटाइज होता है, लेकिन 10-12 हज़ार व्यू आते हैं, उसमें आपका खर्चा पानी चलता है, तो आप उससे डीमोटिवेट होकर के फिर उसको काम को बंद भी कर देते हो। तो आपको देखना है समस्या कहाँ पे आ रही है, किस हिसाब से मैं करूँ, कैसे हमारा काम चल पाएगा, तो ये सब बातें आपको जानना है, सीखना है। आदमी की उम्र सीखने की कुछ भी नहीं होती, आदमी जब तक जीता है वो सीखता ही रहता है। तो जैसे हमने भी 2 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, कुछ समस्या आती थी, लेकिन हमारी जो है पहले 4.5 साल की जो पशु भी आते थे, लेकिन अब 2 साल से कर रहे हैं, अच्छा इसका फीडिंग मैनेजमेंट हो रहा है, तो हमारी पहली गठड़ी 2.5-3 साल की बच्चा दे देगी, तो 3 साल की लगभग भी आएगी, वैसे तो 15-16 महीने की डिस्चार्ज देने लगी थी, लेकिन वो हमने बाद में ए आई करवाई है, डिस्चार्ज उस टाइम साफ नहीं था। तो जुल्ली कटड़ी हमारी ये भी 2.5 साल के लगभग हो गई है, अभी जैसे मौसम आया है ठंडा, तो इस टाइम पे अभी ये भी हिट में आ लेगी, 1-2 बार पहले भी आ चुकी है, तो अब ये हमारी एक स्टेप, तो हमने अभी हम जो हमारी कटड़ी जो छोटी है, खुशी नाम रखा हमने उसका, ये आपको दिखा रहे हैं बजरंगी लिजवाना की जो बेटी है ये, हम इसको अब जो काफ स्टार्टर काफ प्रोवर जो फीड आती है कारगिल की, हमारे यहाँ हिसार में मिलती है, हिसार शहर जो नज़दीक लगता है, तो वहाँ से हम इसके लिए लेकर के आएंगे, उसके ऊपर हम तैयार करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी हमारा एक प्रोग्रेसिव, तो इससे अच्छा काफ तैयार होगा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे, कीमत भी अच्छी मिलेगी, जल्दी हिट में आएगा, बढ़िया ग्रोथ होगी, अच्छा दूध निकालेगी, तो इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। ब्रीडिंग पे भी हम पूरा काम ध्यान रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया सीमन सिलेक्टेड बुलों का सीमन यूज़ कर रहे हैं। अभी ये पहली कटड़ी जो आई है हमारी सीमन की, बजरंगी लिजवाना की, जो अच्छा रिजल्ट देता है, और जो इसकी माँ है जो लक्ष्मी झोटी है, वो भी सीमन की है, ध्यान नहीं है नंबर उस टाइम पे, ध्यान नहीं था, 5-6 साल की बात हो गई है, और ये 2 हमारी झोटी है अनु और 1 लक्ष्मी वो जुली, ये हमारे गांव के प्राइवेट बुल की है, और जो हमने एक मैच पीछे ख़रीदी थी तो वो भी अचल भी की सीमन की है, जो मैं हिट के लिए बात करा था वो वाली है। अभी 2 भैंसों का हम सेल भी करेंगे, एक फर्स्ट टाइमर भी आएगी, और एक जो हम खरीद के लेकर आए थे, क्योंकि दाने चारे का महंगा होने के कारण पशु बेचने ही पड़ेंगे, लेकिन जो रखेंगे वो अच्छे तौर तरीके से उनका ध्यान अच्छे से करेंगे, बच्चे तैयार करके बच्चे भी बेचेंगे, दूध भी अलग से सेल करेंगे। अभी तो काम की बात रहे, आपको गर्मी सर्दी उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अच्छे दोपहर का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, अभी आप देख रहे होंगे अच्छी सी बारिश हो रही है, कुछ भाई तो घर पे जो काम नहीं कर रहे होंगे, घर पे बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, और हमें इनको पशुओं काम करना देख रेख ज़रूरी है, ताश वाले अपने खेत में कोठे में खेत जगह देख लेंगे, अच्छी खेत वाले कोठड़े में जाकर ताश खेलेंगे, जो शराब पीने वाले ठंडा मौसम में शराब पियेंगे, और हम भी जो यहाँ पे बैठे रहेंगे पशुओं के अंदर डेयरी फार्म पर, इनका कभी गोबर हटा दिया, कभी इनका खोर में थोड़ी सानी कम हो रही है, उनके अंदर आटा चोकर मिला दिया, जो भी पानी पिलाना, सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, बहुत ही कठिन हार्डवर्क काम है ये, कोई भी नॉर्मली 2-3 घंटे पैसे कमाए देखकर इसके काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आए, जो भी भाई कुछ भाई देखते हैं हम नए आते हैं जो महाराष्ट्र से यूपी से एमपी से पशु खरीदने के लिए, वो बोलते हैं हमें तो दूध ही नहीं निकल आता, और भैंस ले लेंगे 10 लेनी है 12 लेनी है, बोले हम तो मशीनों से दूध निकालेंगे, तो मशीनें यहाँ पे भैंस होती है हैंड मिल्किंग करी हुई, तो मशीनें लगाएंगे कहीं लात मार जाए मशीन और जानी रहोगी घड़ियाँ पड़ी पाओगी घड़ियाँ उसके तार पाओगे, तो ये भी आपको हाथ से दूध निकालना चाहिए, भैंस अच्छी हो तो आप खरीदें, दूसरे के भरोसे न खरीदें, चाहिए आप कितना ही विश्वास वाला बंदा हो
विश्वास एक धोखा, या आपने बहुत जगह सुना भी होगा, लिखा हुआ देखा होगा, तो ये सच्चाई है भाई, विश्वास धोखा।